स्टार्ट है ठीक है। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूं साइंस के पहले चैप्टर पे, विज्ञान के पहले पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जैसा कि सभी लोग करते हैं, हम लोग समय व्यस्त नहीं करेंगे, बस खाली इतना कहना चाहेंगे कि चैनल को आप आखिरी में, जब आपको अच्छा लगे कि हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए सीधा हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं चैप्टर के ऊपर। तो पहली चीजें जो है वो हम लोग जानेंगे कि परिवर्तन। सबसे पहले यहाँ भौतिक परिवर्तन की बात है, लेकिन हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि परिवर्तन क्या होता है। देखिए, आप आसपास की चीजें जो हमेशा बदलती रहती है, जैसे हम लोग कपड़ा रखते हैं छड़ पे धो करके, कहीं पे सुखाने के लिए रखते हैं और कुछ समय के बाद उसमें से पानी गायब हो जाता है, ये एक बदलाव है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलता है, जैसे हम बर्फ को निकालते हैं और वो कुछ देर के बाद क्या होता है, पिघल करके पानी हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम लकड़ी को आग के हवाले करते हैं तो वो जल करके राख हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, यही विज्ञान है, यही साइंस है, इसी को समझना है, इसी को कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला परिवर्तन जो होता है उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरा परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। समझ गए यहां तक के बाद कि परिवर्तन जो होते हैं वो, ये परिवर्तन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो ऐसा परिवर्तन लिखा हुआ है, ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, देखिए भौतिक अवस्था की अगर हम बात करेंगे, आपको नहीं समझ में आ रही होगी भौतिक अवस्थाएं, तो आप समझिए कि भौतिक अवस्थाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, ठोस। कोई भी चीज जो आपको मिलेगा वो ठोस के रूप में मिल सकता है, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा, ईंटा का टुकड़ा, पत्थर, लकड़ी, ये सारी चीजें जो है ठोस है। दूसरा चीज जो होता है वो होता है द्रव, जैसे कि पानी है, तेल है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें द्रव है। और तीसरी चीज है गैस, जिसे हम नजरों से देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि गैस क्या होती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये सारी चीजें जो है, तीन तरह की चीजें होती है, ठोस, द्रव या गैस, इसी को हम कहते हैं भौतिक अवस्था। तो अगर केवल पदार्थ अपने भौतिक अवस्था को बदलेगा, आकार को बदलेगा, आकार मतलब बड़ा चीज है उसको छोटा कर दिए, जैसे पेपर को, पेपर के बारे में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पेपर का फटना, पेपर का काटना, पेपर को जो हम काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो वो सिर्फ आकार में परिवर्तन है, पेपर दूसरा चीज नहीं बन जाता। इसलिए पेपर की कटिंग जो होती है वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। दूसरी चीज है भौतिक गुणों में बदलाव। भौतिक गुण जैसे कि उसका शेप है, आकार है, साइज है, बड़ा छोटा है ना, लंबा चौड़ा, ये सब अगर उसका चेंज होगा, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में चेंज हो जाएगा, तो ऐसे परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। चलिए, तो उसके कुछ हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे पहला नंबर आप देखिए, बर्फ का गलना। जैसे बर्फ है, आप बर्फ का टुकड़ा लाते हैं कहीं से और जैसे ही उसके फ्रीज से बाहर निकालते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, सामान्य तापमान पर वो पिघलने लगता है, और पिघलते पिघलते वो जो बर्फ है, ये पिघलते पिघलते क्या हो जाता है, पानी बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। बर्फ पिघलते पिघलते पानी बन जाता है। तो बर्फ की सिर्फ भौतिक, देखिए ठोस था, ठोस से क्या हो गया, ये द्रव हो गया। इसका मतलब ये है कि इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, कोई नया चीज नहीं बना है, ठीक है। अगला, पानी का जमना। जैसे पानी है, पानी को आप फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, तो पानी क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो तापमान फ्रिज के अंदर कम होने की वजह से वो बर्फ बन जाता है, जम जाता है, लेकिन वो पानी का ही रूप है। पानी का ही कौन सा रूप है,
ठोस रूप है, पानी द्रव है, द्रव से वो ठोस में बदल गया, इसलिए इसमें भी क्या परिवर्तन हुआ, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, भौतिक अवस्था में बदलाव हुआ, भौतिक अवस्था में चेंज हुआ, इसीलिए बर्फ पानी का जमना भी क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब अगला चीज है पानी का वाष्प बनना। देखिए मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ पानी का वाष्प बनना। जैसे पानी कहीं पर आप छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, धूप लगती है, आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि पानी कटोरी में पानी रख दें, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, एक दो ढक्कन पानी कटोरी में डाल दें और उसे दिन भर छोड़ दें, फिर आकर के आप देखें तो पानी उसमें नहीं रहेगा, वो पानी कहाँ गायब हो जाता है, तो वो पानी जो है अपना अवस्था बदल लेता है, वो पानी भाप बन जाता है, गैस के रूप में बन जाता है, तो गैस भी जो है ये भाप भी जो है ये क्या है, एक प्रकार का गैस ही है। तो क्या होता है कि पानी जो है, पानी आपका द्रव है और जैसे ही इसमें परिवर्तन होता है तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इस वाष्प को ही बोलते हैं भाप। तो पानी का भाप बनना या वाष्प बनने में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों सेम बातें हैं। तो पानी का वाष्प बनना भी क्या है, पानी का वाष्प बनना भी हमारा भौतिक परिवर्तन ही है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आगे हम लोग चलते हैं विद्युत बल्ब का चमकना। जैसे बल्ब है और बल्ब को हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, जैसे ही हम बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है, बल्ब जल जाता है, परिवर्तन हुआ, पहले जल नहीं रहा था, पहले उसमें से रोशनी नहीं आ रही थी, अब जैसे ही स्विच ऑन किया उसके अंदर से रोशनी आने लगी, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो परिवर्तन हुआ, कुछ तो बदलाव हुआ। तो ऐसा बदलाव से बल्ब खत्म नहीं हो गया, बल्ब कोई नया चीज नहीं बन गया, बल्कि वो बल्ब ही है, फिर उसे स्विच ऑफ करेंगे फिर पहले जैसे स्थिति में वो आ जाएगा। तो ये परिवर्तन भी इसमें आ गया भाई साहब, भौतिक परिवर्तन में आ गया। अब आगे चलते हैं मोम का पिघलना। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मोम का जलना और एक मोम का पिघलना, ये दोनों अलग अलग परिवर्तन है। अच्छे से यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ पर आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपसे थोड़ी सी गलती की वजह से कट सकता है, खत्म हो सकता है, आपको नहीं मिलेंगे। तो मोम का पिघलना जो है, क्योंकि मोम पिघलता है, मोम को आप पिघला रहे, जलाना नहीं है, यहाँ पर पिघलाना है, गर्म करेंगे तो वो पिघलने लगेगा, जैसे ही पिघलेगा तो वो फिर से ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो जैसे ही ठोस से द्रव होगा तो अवस्था में परिवर्तन है, फिर जब उसका हम तापमान को कम करेंगे वो फिर से जम जाएगा, फिर से मोम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोम का पिघलना जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर कि मोम का जलना, जब हम मोम को जलाते हैं, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, तो उसमें से जो जल करके जल जाता है मोम, वो जो जल गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो जल गया, तो जल गया तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखें, जो जल गया रासायनिक परिवर्तन, जलने के बाद जहां पे भी आएगी वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आंख बंद करके अगर जलने की बात आती है आप रासायनिक परिवर्तन में टिक मार दीजिए, लेकिन पिघलने की बात जहां पर भी होगी, किसी भी चीज के पिघलने की बात होगी, तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे लेते हैं तौलिया में पानी का सोख लेना। तौलिया जब डालते हैं तो तौलिया में पानी सोख लेता है, तो जैसे ही पानी रखा, तौलिया डाले, पानी गायब, तौलिया के अंदर चला आया, तो तौलिया ने पानी सोख लिया। तो इसका मतलब यह है कि फिर उसको स्किच करेंगे, निचोड़ेंगे, तो क्या होगा, पानी फिर से निकल आएगा उसमें से। तो ये भी क्या हो गया, हमारा भौतिक परिवर्तन। अब कागज के टुकड़े को फाड़ना, कागज के टुकड़े को फाड़ना, जैसे हमने कागज लिया, जैसे मान लेते हमने ये कागज लिया, ये कागज का टुकड़ा लिया और हमने इसे फाड़ दिया, हमने इसे फाड़ दिया, फाड़ के दो टुकड़े में हो गया ये। अब इसको हम चार टुकड़ा कर लेते हैं, इसको हम दस टुकड़ा कर लेते हैं, इसको हम कितने भी इसको टुकड़े हम कर लेते हैं, कितने भी टुकड़े कर लेते हैं, तो बाबू भैया ये कागज ही रहेगा ना, ये कागज ही है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसके आकार में परिवर्तन हुआ है, इसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, इसके सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है, ये बड़ा से छोटा हो गया, इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसी को जला देंगे, इसमें अभी माचिस लगा देता हूं मैं, जल जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, और जब राख बन जाएगा तो वो राख कहलाएगा, कागज नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि जलना, जलने की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तांबा को खींचकर उसका पतले तार निकालना, तांबा हो, पीतल हो, अल्मुनियम हो, किसी भी चीज का, या लोहा हो, किसी भी चीज का जो तार बनाते हैं हम, तो उसको क्या करते हैं, खींच करके उसके हम आकार को, मोटाई को कम कर देते हैं, मोटा होता है उसको पतला कर देते हैं, ठीक है। तो किसी का भी आकार बदलना, उसके शेप और साइज को बदलना, बदलने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा परिवर्तन वक्ती परिवर्तन होता है, ये कुछ देर बाद फिर से हम उसको वापस कर सकते हैं। तो तांबे को खींच कर उसे पतला करना, तार निकालना, ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। चलिए अब आगे जो है, लकड़ी या किसी अन्य चीज को काटना। देखिए लकड़ी को काटेंगे, लकड़ी छोटा होगा, इसको यहाँ से काट देंगे, ये छोटा हो जाएगा, आकार में परिवर्तन होगा, कोई न्यू पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि लकड़ी का या किसी भी चीज का काटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। समझ में आया, हम मुझे लगता है कि भौतिक परिवर्तन में आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स है, अगर कोई भी आपको लगता है कि ये जो है भौतिक परिवर्तन क्या है, ठीक है, कुछ चीजें भौतिक परिवर्तन में आपको नहीं समझ में आ रही है कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी ऐसा डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका वहीं पे उत्तर आपको दे दूंगा, या फिर अगर डिटेल में उसको समझाना होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको उस टॉपिक को ले लूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके नाम नहीं लिखे हैं, तो चलिए आप लोग बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूं, ग्लास का टूटना, ग्लास का टूटना, यहाँ पे ग्लास का, एक ग्लास है, शीशे का ग्लास है जो कि टूट गया है, कौन सा परिवर्तन होगा ये बताएं, सोचे जरा कौन सा परिवर्तन होगा, आपके मन में आ रहा होगा ये क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स को, चॉकलेट को हमने मिला दिया, चॉकलेट को, चॉकलेट्स को मिलाया, बहुत सारे चॉकलेट्स को हमने मिला दिया, एक साथ मिक्स कर दिया, तो इसको भी बाद में हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग मशीन में पेपर को रख करके काट काट करके छोटे छोटे पेपर के टुकड़े बना दिए गए, तो पेपर के टुकड़े करना, पेपर के, पेपर या कागज के टुकड़े करना, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी भौतिक परिवर्तन ही आएगा। यहाँ पे देखिए पेपर का जो है चिड़िया बना लिया गया है, तो पेपर का, कागज की चिड़िया बनाना या कागज का कुछ भी बनाना, कुछ भी बनाएंगे कागज का, तो वो क्या होगा, वो हमारा भौतिक परिवर्तन ही होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है भाई साहब, ये बर्फ है, ये बर्फ भैया है, ये बर्फ भैया पिघल करके क्या हो रहे हैं, पानी हो रहे हैं, नहीं कहते हैं सर्म से पानी पानी हो जाते हैं, तो ये बर्फ को जैसे ही हम लोग फ्रिज से बाहर निकालते हैं, इधर कनिया है, सर्म आ जाती है और सर्म से पानी पानी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बर्फ जो है ये ठोस है, समझ रहे ना, ये ठोस है, पानी क्या है, द्रव है, तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ, तो केवल क्या है, अवस्था का परिवर्तन है, इसलिए ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए लकड़ी का काटना, लकड़ी, लकड़ी का काटना, तो लकड़ी को काट के छोटा कर देंगे तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे देखिए ये लड़की का बाल ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, ये सोच रही है कि हम लड़कों जैसा दिखे, तो ये अपने बाल को यहाँ से काट रही है, यहाँ से कैंची से काटने का प्रयास कर रही है, तो अगर बाल को काटने में ये सफल हो जाती है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बाल काट के इसका छोटा हो जाएगा, यानी आकार में बाल छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन, बाल काटना। हम ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएंगे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। फिर आपका एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक मार्क्स बहुत होता है, उस बच्चे से पूछिए एक मार्क्स की कीमत, जिसको 299 नंबर आता है और एक नंबर से फर्स्ट डिविजन छूट जाता है, उस बच्चे को बहुत तकलीफ होती है कि कहां पर मेरा एक नंबर का क्वेश्चन था जो मिस्टेक हुआ, जिसकी वजह से मुझे सेकेंड डिविजन का मुंह देखना पड़ा है, और वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत मजे करते हैं, जिनके एक नंबर आकर के 300 पूर जाता है और पूरा पूरा 300 आता है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि मुझे फर्स्ट डिवीजन आ गया। उसी तरीके से अगर किसी को 399 नंबर आता है तो वो भी दुखी हो जाता है कि 300 का टैग लग गया और 400 आ जाता है, तो बहुत खुश हो जाता है। तो एक नंबर की बहुत कीमत है, जिसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक शुष्क बर्फ है, सूखा बर्फ, सूखा, सूखा बर्फ, ये जो सूखा बर्फ है ये सीधा ठोस से क्या होता है,
ठोस से सीधा भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको सूखा बर्फ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं सूखा बर्फ पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ये सूखा बर्फ क्या है, अब सूखा बर्फ का मतलब ये मत समझ लीजिए कि फ्रिज से जो बर्फ निकालते हैं वो बर्फ है, वो बर्फ बिल्कुल नहीं है। फ्रिज से निकला हुआ बर्फ जो है वो सूखा बर्फ नहीं होता है। सूखा बर्फ को छूने से भी मना किया जाता है, खुली हाथों से स्किन बर्न हो सकता है, हाथ जल सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पर है कि केतली में जो है चाय रखा गया है, तो चाय का ठंडा होना, चाय का भाप निकल रहा है, यहाँ पे चाय क्या है गर्व है, चाय क्या है गर्व है, और यहाँ पर इसका भाप निकल रहा है चाय का, तो चाय का भाप बनना भी क्या है, या पानी में रखा हुआ पानी का भाप बनना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे अंडे का टूट जाना, अंडे का टूटना भी क्या है, अंडे का टूटना भी हमारा भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि अंडा टूटा है वो अंडा ही है, ऑमलेट नहीं बन गया। ठीक है, तो अंडा जब तक टूटा है तो वो अंडा ही है, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सॉरी आकार में साइज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो नया पदार्थ अभी नहीं बना है, इसीलिए ये क्या है भौतिक, सारे भौतिक परिवर्तन है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए सारी चीजों को कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब हम आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे। चलिए यहां पर आप देख लीजिए बढ़िया से, रासायनिक परिवर्तन पर हम लोग आ गए हैं। एक बार और कहना चाहेंगे कि भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आया, कहीं पर कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो उसका कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको उस पर बताऊंगा कि वो भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है और क्यों है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन के गुणों को भी बदल देते हैं, यानी कि उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, उसके जो अंदर की पूरी चीजों को बदल के रख देते हैं, एक नया पदार्थ ही बना देते हैं, पूरी तरीके से बदल देते हैं, उसके पहले वाले जो पदार्थ होते हैं उसका उसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो उसके जो संगठन है, संगठन का मतलब यह है, संगठन का मतलब यह वो जिन चीजों से बना हुआ है उसके गुणों को, उसकी बनावट को, संरचना को, हर एक चीज को बदल के रख देते हैं, ऐसे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया भी वही होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं दूध का फटना। अब आप हमें बताएं कि दूध फट गया तो क्या वापस से दूध आएगा, या वो दूध है नहीं, दूध फट गया छिना हो गया, वो उसमें नए गुण आ गए, दूध के गुण नहीं है उसमें, तो इसलिए ये क्या है दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। दहन, दहन का मतलब क्या होता है, जलना, जब किसी चीज को आप जला दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जंग लगना, लोहे में जंग लगता है, लोहा का जंग क्या करता है, लोहे को खा जाता है, खत्म कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, अब उसमें लोहे की प्रवृत्ति नहीं रहती, लोहे की वो ताकत, वो स्ट्रेंथ, वो क्षमता लोहे का खत्म हो जाता है, इसलिए लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, अब बताइए हम लोग ताजा ताजा एकदम मजेदार टेस्टी भोजन कर लेते हैं, रात में कहीं दावत में गए और बढ़िया से पेट भर के दबा लिया, और फिर पता है रात भर क्या होती है पाचन की प्रक्रिया होती है, यानी भोजन पचता है, और सुबह सुबह तो जानबे करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो वो अब जो हम क्या बोलते हैं शौच कर देते हैं, तो उस शौच में उस भोजन का गुण नहीं रह जाता है, बल्कि वो दूसरे चीजों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भोजन का पचना भी हमारा क्या है रासायनिक परिवर्तन है। बैटरी का डिस्चार्ज या चार्ज होना, देखिए बैटरी का आप कहेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज रहेगा फिर से चार्ज कर लेंगे, तो नहीं, उसको चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, बिजली प्रवाहित करनी होगी, बिना बिजली के वो वापस चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए बैटरी का चार्ज या डिस्चार्ज होना क्या है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लोहे का तावा है, उस पर जंग लग गया है, क्या हुआ जंग लगना, किसी भी चीज में जंग लगना, यहाँ पे क्या है आग जलना, यहाँ पे क्या है पाचन, यहाँ पे क्या है अंडे का पकना, अंडे का ऑमलेट हो गया, ये बताए थे पीछे, अंडे का फूटना जो है भौतिक परिवर्तन, और अंडे का ऑमलेट बना के खा जाना या ऑमलेट बना भी लेना क्या है रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे केक का बनना, केक का बनाना, केक बना लेंगे अगर आटे को तो वो क्या हो जाएगा पक गया, जो भी चीज पक जाएगा तो वो क्या है रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर के देखिए विद्युत अपघटन हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है,
इसके बारे में हम बताएंगे आपको विद्युत अपघटन क्या है आगे के चैप्टर में, ठीक है। विद्युत अपघटन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है विद्युत अपघटन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये केला है, केला का सड़ना, केला सड़ गया तो क्या वो वापस से केला आएगा, सड़ गया खत्म, टाटा बाय बाय। अब यहाँ पे देखिए आप यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जो अच्छा यहां पे इसमें कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, यहां पे देखिए इसमें जो है बर्फ में कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है और उसको हमने पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पीना, पी लिए वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है पटाखा है, पटाखा फूट गया, अब पटाखे का जो भी गुण है वो खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैटरी है, पहले ही बता दिया गया कि बैटरी का चार्ज या डिस्चार्ज होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन से भी संबंधित आपका कोई भी डाउट हो आप उसे जरूर कमेंट में बताएंगे हमें, ताकि हम उसको आपका सॉल्व कर सके। तो चलिए अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो, नहीं भी हो तो हमारे पास तो आया है, मुझे करना पड़ेगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, अब आप लोग सोचिए कि भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन सा होगा, अस्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो अभी आपको हमने बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में चीजें जो बदलती है, चीज रूप बदलकर वापस आ जाती है, ये बात आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, चीजें रूप बदलकर वापस आ जाती है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट, हमेशा के लिए जो हो गया, तो ये क्या हो गया, अस्थाई, क्या हो गया, अस्थाई परिवर्तन, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एक धातु है, उसका रिबन को वायु में दहन करेंगे, दहन का मतलब क्या हो गया, जलना। अब आपको जैसे ही हमने लिख दिया जलना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जलने की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सारी रासायनिक क्या है, परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है, कोई अधिकारक नहीं, बल्कि अभिकारक है कौन है, वही मैग्नीशियम रिबन, तो रासायनिक परिवर्तन है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला है अंगूर का किण्वन करना, अंगूर का किण्वन करना मतलब अंगूर को सरा गला करके और उसका जो दारू शराब बनाया जाता है, बियर वगैरह बनाया जाता है, क्या क्या चीजें बनाई जाती है उसकी पीने उने के लिए, तो अंगूर का किण्वन करना जो है वो कौन सा परिवर्तन है, इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, कमेंट में इसका आंसर आपको देना होगा। आप अगर कमेंट में इसका आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप समझ रहे हैं, तो हम इस पर फिर आगे अच्छे से काम करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर हमारे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी जो हमने आपको समझाया रासायनिक परिवर्तन, दरअसल वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, इस नए पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है, दो चीज को मिला दिया, एक नया चीज बन गया, उस नए चीज में कोई नया गुण हो तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे मान लेते हैं एक चीज हम लिए ए, इसमें कोई चीज हमने मिला दिया बी, अब बताइए ये हो गया सी, तो क्या ए और बी कभी सी में क्या ए का गुण है, क्या बी का गुण है, नहीं है, सी अलग चीज है, ए अलग चीज है, बी अलग चीज है और सी अलग चीज है। चलिए तो यहां पर क्या, ये दोनों चीजें जो है इसे हम कहते हैं अभिकारक और इसे हम कहते हैं प्रति
फल। अभिकारक का मतलब अभिक्रिया करने वाला, प्रतिफल का मतलब उत्पाद जो कि बन करके निकलता है। चलिए अब हम लोग इसके उदाहरण पे आ जाते हैं कि उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जल बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। देखिए H2 यानी हो गया हाइड्रोजन, O2 यानी हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है आपके हाइड्रोजन है और ये क्या है ऑक्सीजन है। इन दोनों के रिएक्शन के पश्चात, रिएक्शन के बाद क्या बना हमारा H2O बना, H2O बना। तो यहां पे आप देखेंगे कि H2O का जो फॉर्मूला है, H2O का जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है, और यहां पे कितना ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है 2, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा, यहां पर तो हमारे पास 2 है। अब यहां पे अगर हम 2 लगा देते हैं, क्योंकि यहां पे 2 लगाना ही पड़ेगा, तो यहां 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो जाता है और यहां भी ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे 4 हो जाते हैं यहां पे और यहां पे 2 है तो यहां भी लगा देंगे 2। इसे कहते हैं संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसे हम आपको आगे संतुलित करना सिखाएंगे कि कहां पर क्या लगाने से संतुलित हो जाता है। तो यहां पे देखेंगे आपको हाइड्रोजन है, यहां पर भी देखेंगे आपको हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन मिल करके, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन जो है वो 1 ही है, तो 1 ही ऑक्सीजन मिला और ये मिल करके क्या बना, ये वाटर है, क्या H2O, और ये भी H2O है, ये भी क्या है H2O है यानी पानी है। तो डबल 2 अणु जो है पानी के बने वहां पर, ठीक है। आगे जो है कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, यानी देखिए ये कार्बन है और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, और यहां पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन जो है, कार्बन क्या है, एक कार्बन जो है एक ठोस पदार्थ है, ऑक्सीजन द्रव है, और ये जो बना कार्बन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है, और ये कार्बन एक ठोस है, और ये जो बना ये क्या है, ये गैस है, ये क्या है, ये कार्बन जो है ये ठोस है, और ये क्या ऑक्सीजन जो है ये गैस है, और ये जो बना ये भी गैस बना, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को सांस में ले सकते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उसमें अलग गुण है, उसके गुण ये नहीं है कि हम उसे सांस के लिए ले लें, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड सांस में ले लेते हैं तो आपकी मौत हो सकती है, और ऑक्सीजन तो हमारा प्राण वायु है जो हमें प्राण देता है, जान देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुण कार्बन से भी भिन्न है और ऑक्सीजन से भी भिन्न है, ठीक है। इसके आगे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप हमें अच्छे कमेंट्स देंगे, अच्छे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ऐसे ऐसे हजारों वीडियो, ऐसे ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं जो हम आपको देंगे, आपको बताएंगे, और बस आपको करना क्या है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर दबा के करना है बढ़िया से एकदम, ताकि हमारा हेल्प हो सके और हम इस माध्यम से जो हमने इतना सारा सेटअप किया है सिर्फ आप लोगों के लिए किया है और आप लोगों के सपोर्ट के लिए किया है, तो उस आप लोगों की सपोर्ट हमें आगे बढ़ाएगी और हमारा सपोर्ट होगा, तो आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, सबको लाइक कीजिए, सबको कहिए लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।